सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। प्रदीप सिंह नाम है मेरा। प्रदीप सिंह कहाँ से आ रखे हैं? मैं कठुआ से। कठुआ से जी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन किस? मैं ग्रेजुएट हूँ। आप ग्रेजुएट जी। सरकारी नौकरी तो कर रहे होगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। क्यों? मिली नहीं है अभी तक, काम करेंगे जी। बट जिस तरह सरकार कहती है कि विकलांगों के लिए जो है काफी सुविधाएं जो है वो लाई गई है, तो फिर आपको क्यों नौकरी नहीं मिल पाई? सर एक्चुअली होता ये है कि गवर्नमेंट स्कीम तो बहुत लाती है लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनका इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो कहाँ मिलेगी? अभी तो हमारी उम्र भी होने वाली है, नौकरी की तो बात ही छोड़िए। यहाँ तो बिजनेस करने के लिए भी, अगर बैंक के पास लोन लेने के लिए जाओ ना, तो यहाँ तो बैंक वाले बोल देते हैं कि डिसेबल के लिए ये स्कीम है, लेकिन जब लोन लेने के लिए जाओ तो साफ इनकार कर देते हैं कि दिव्यांग इसलिए आए हैं क्योंकि उनको सब्सिडी मिल रही है। अच्छा। तो उनको ये मालूम नहीं कि दिव्यांग भी काम करना चाहता है। और मुझे लगा लीजिए, मैं दुकानदार हूँ, मोबाइल का काम करता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट लोन दे, मैं काम करूं या कोई और काम मैंने सोच के रखा हुआ है, लेकिन जब भी बैंक के पास जाओ तो बैंक वाले यही बोलते थे कि आप सब्सिडी के लिए आए हो, आपको लोन नहीं मिलेगा। ये पर ये क्यों बैंक वाले क्यों कहते हैं सब्सिडी के लिए आए हुए? पता नहीं, ये उनको मालूम होगा, ये मुझे तो मालूम नहीं है। क्या दिव्यांग किसी से कम है क्या? ये उनकी सोच है सर, दिव्यांग भी काम करना चाहता है। मुझे लगा लीजिए, मैं 15 साल से मोबाइल का काम कर रहा हूँ, उसके दम पर मैंने जमीन खरीदी हुई है, अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। इसका मतलब ये थोड़ा कि मैंने 2 बार लोन लिया था, दोनों बार उसको एडवांस में खत्म किया, इसका मतलब है मैं काम करने के काबिल हूँ ना, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक लोन देता नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम है जो ये लोग तो यहाँ आके भाषण देंगे चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है इनको मालूम नहीं है। आज से पहले यहाँ पर आपने देखा इस तरह का सम्मेलन? नहीं नहीं, नहीं ये पहली बार हो रहा है, ये बात सही है, ये पहली बार हो रहा है, और ये मोदी राज में ही हो सकता था। पहले मुफ्ती आई या उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट आई, उन लोगों ने तो दिव्यांगों को दबा के रखा हुआ था। ये मोदी गवर्नमेंट है जो ये कर रही है, अच्छी स्कीम है, हो सकता है ग्राउंड लेवल पे इसका आज नहीं तो 10 साल के बाद इम्प्लीमेंट हो सके, लेकिन अभी तक नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। तो अब ये जो सम्मेलन यहाँ पर लगा है, तो आप इसे किस तरह से मानते हैं, क्योंकि हम भी देख रहे हैं काफ़ी संख्या में जो है दिव्यांग यहाँ पर आ रखे हैं। सर दिव्यांगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक ही होती है, पेंशन स्कूटी, इसके अलावा इनकी सोच है ही नहीं। मैं सीधी बात बोलता हूँ आपको, पेंशन और स्कूटी के अलावा ये लोग ज़्यादा सोचते नहीं है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो उसके लिए ये है कि आप काम करो, और काम के लिए क्या, पैसे तो सबके पास होते ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से लोन लेना, और लोन कहाँ से मिलेगा, बैंक से, और बैंक के वाले क्या बोलते हैं, आपको लोन मिलेगा नहीं क्योंकि आप दिव्यांग हो, मुकाओगे कैसे? तो अगर वो शुरुआत करेंगे नहीं तो ये दिव्यांग कहाँ से उजड़ेगा? पर आपने सोशल वेलफेयर के ऑफिस में जाकर ये बात रखनी चाहिए। सर सोशल वेलफेयर वालों के पास यही स्कीम होती है कि आप स्कूटी के लिए अप्लाई करो, पेंशन के लिए अप्लाई करो, और इसके अलावा वो बेचारे करके, वैसे भी एक बात बोलूँ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जितने भी लोग लगे हुए हैं अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके पास जो स्कीम आएंगी वो उन्हीं को आपके आगे बोलेंगे ना। तो जिस तरह से आज जिस तरह से ये सम्मेलन हो रहा है, आप काफी देर से बैठे हैं, मतलब क्या अनुभव हुआ जब से आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या क्या मतलब आपको यहाँ से जो बेशक भाषण दे रहे हैं, क्या क्या प्रेरणा मिल रही है? प्रेरणा कुछ नहीं मिल रही है, ये बात सच है कि जो भी जो लोग आए हुए हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दिव्यांगों के लिए, लेकिन मैं एक बात और बोलता हूँ आपको जो क्लियरली बात है कि दिव्यांगों को सिर्फ लोग अपने पुण्य दोने के लिए सामने लाते हैं। क्या ये कोई नहीं बोलता कि आपको क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी, किस तरह का आपके प्रॉब्लम? अब मैं सिंपल बात बताता हूँ आपको, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल लोग हैं, उन लोगों ने दिव्यांगों के लिए NGO खोल के रखी हुई है, जिनको मालूम ही नहीं है कि दिव्यांग होता क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, ठीक है ना। एक नॉर्मल अब आप ही लगा लो, आपको क्या पता कि दिव्यांग कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, नहीं पता ना। तो वही है, ये नॉर्मल लोग हैं, इन लोगों ने NGO खोल ली है, काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम किसके लिए काम कर रहे हैं जी। नहीं प्रदीप जी, एक मैं बात और पूछूंगा, अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, एक दिव्यांग जो है 2 साल से लगातार चक्कर काट रहा है DC कठुआ के कार्यालय के, और वो यही कह रहा है कि मुझे आज तक स्कूटी नहीं दी है। पहले तो उसे ये कह दिया जाता था कि आप दिव्यांग हो नहीं, उसका सर्टिफिकेट लाइए, किस तरह से देखते हैं इस बात को? देखिए पहले तो मैं ये बात सच है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है, उसके बिना कोई भी काम जो दिव्यांगों का काम है ना वो नहीं चलता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई तो बंदा होगा ना जो उसकी मदद करेगा जी। कोई तो बंदा होगा उसकी मदद करने के लिए, अगर उसको वो बंदा नहीं एबल नहीं है कि वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना सके, तो इतने अगर ये सरपंच पंच जो सफ़ेद कपड़े पहन के घूमते हैं, तो उनको होना चाहिए कि वो कहाँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाएगा, कैसे बनवाएगा, उसको लेके जाएं, उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाएं, उसके बाद। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, यहाँ सारे पुण्य कमाने के लिए आए हुए हैं, ठीक है,
एक बंदा अगर किसी का कोई काम कर देता है, खासकर दिव्यांगों का अगर काम कर देता है ना, उसके दिमाग वो क्या करता है, सोशल मीडिया के सामने आ जाता है। मैंने उसको स्कूटी दिलवाई, मैंने उसकी पेंशन लगवाई। जो राइट है यार, ये उसका राइट है, ठीक है, स्कूटी उसका राइट है, पेंशन उसका राइट है, वो डिसेबल है। वो अगर बंदा डिसेबल है तो आपको क्या जरूरत है पेंशन लेने की? एक नॉर्मल आदमी थोड़ा अप्लाई करेगा पेंशन के लिए। अगर दिव्यांग उसके लिए अप्लाई कर रहा था, इट मीन्स उसको पेंशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि वो अपनी रोजी रोटी का अरेंजमेंट कर सके। नाराजगी किसकी है? अगर नाराजगी सर सीधी सीधी बात है कि अगर कोई बंदा काम करने के मूड में हो और गवर्नमेंट स्कीम भी दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम देती है, ग्राउंड लेवल पे उनका इंप्लीमेंट नहीं होता। मैं सीधी सीधी बात बोलता हूँ। मतलब आपका यही कहना है कि स्कीम्स तो गवर्नमेंट लेके आ रही है पर ग्राउंड लेवल पे जो है वो नहीं बताई जाती, नहीं बताई जाती हैं। बैंक को लगा लो, बाकी क्या करते हो, बैंक को लगा लो। गवर्नमेंट घर बनाने के लिए दिव्यांगों को देती है, पैसे देती है। मुझे नहीं मालूम कि किसी दिव्यांग को मिला होगा, मुझे नहीं मिला। अब मैं कठुआ में रह रहा हूँ, 23 साल से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन बेसिकली मैं बसोली का हूँ, ठीक है। मुझे आज तक मुझे रास्ता नहीं मिला सर, क्या बात करते हो। मुझे अपने घर जाने के लिए कम से कम 500 मीटर पैदल जाना पड़ता है, वो भी क्रॉलिंग करके। अब आप खुद बताओ कि 80% डिसेबल बंदा क्रॉलिंग करके वहां तक जाए तो कैसे जाएगा, वो खुद बताओ आप। और जो सरपंच है वो मेरा सगा चाचा है, ठीक है, उसको जिताने के लिए मैं जहां से स्कूटी लेके वहां 100 किलोमीटर गया था, उसके बावजूद मुझे कुछ नहीं मिला आज तक। दिव्यांगों का दर्द जो है दर्शकों, दिव्यांग ही जानते हैं और दिव्यांग ही जो है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और है, डिसेबिलिटी एक्ट स्पेशल डिसेबल के लिए बनाया हुआ है, लेकिन उसका इंप्लीमेंट भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। बात सिर्फ सोशल वेलफेयर की ऑफिस की कर रहा हूँ, यहाँ डीसी ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिव्यांग को अगर डीएम से मिलना हो तो कैसे मिलेगा? वहाँ रैंप की सुविधा नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रैंप नहीं है, ठीक है। अगर दिव्यांग को वहाँ जाना होगा तो वो क्रॉलिंग करके जाएगा। हजारों बंदे पैदल चल रहे हैं, उनके पाँव में माटी लगी होती है, और एक दिव्यांग वो ये बोलते हैं कि कोरोना कोरोना कोरोना। दिव्यांग आदमी जब क्रॉलिंग करके जाएगा तो आप खुद बताओ कि कोरोना उसको लगेगा नहीं? वो तो ऐसे भी मरा हुआ है और वैसे भी मरा हुआ है, वो तो मरेगा ही मरेगा। ये प्रदीप जी ने जो बातें कही ना, बड़ी मतलब खुल के बात की और दिल से, क्योंकि देखो दिव्यांगों का दर्द जो है वो दिव्यांग ही जान सकते हैं, और बड़ी ज़्यादा खुल के जो है वो बातें कर दी है।